गाइज hey कैसे बात आप सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आई डिपार्टमेंट के दे अंदर आता है इंडियन ड्राॅइंग के अंदर जो हर एक एग्जाम के अंदर गाइस मिलता है मतलब मिलता है हंड्रेड परसेंट एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आने वाला है ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन लिया हुआ है और वो जो क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा जिसका नाम है आपको डायगोनल स्केल बनाना है ठीक है गाइज ये आई टी के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आज यहाँ पे सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ जिसके अंदर आपको एक डायगोनल स्केल निकालनी होती है कुछ चीज़ें आपको क्वेश्चन के अंदर दी होती है आर दिया होता है आर फैक्टर दिया होता है रिड्यूसिंग फैक्टर दिया होता है और एक मैक्सिमम लेंथ आपको क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन के अंदर आपको दी रहती है कि कितनी लेंथ तक आपको वो स्केल बनानी है ठीक है उसके आर फैक्टर उसके लिए यूज होता है और मैक्सिमम लिमिट उसके लिए यूज होती है जिसके अंदर आपको एक स्केल बनानी होती है ठीक है उस स्केल के अंदर आपको डायगोनल यूनिट लेने होते हैं बराबर है और उस स्केल के अंदर एक मेक अ डिस्टेंस ऑफ मार्क डिस्टेंस करना होता है आपको ये दिया हुआ रहता है टू पॉइंट फोर थ्री मीटर ऑन इट ये सब डिस्टेंस आपको उसके अंदर क्या करना होता है गाइज मार्क करना होता है तो चलिए फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंपलसरी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है उसको आज सॉल्व करके देखते हैं सबसे पहले तो आप एक क्वेश्चन है उसको Uh, बारीकी से देखते हैं ठीक है तो क्या दिया है इसके अंदर पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं ड्रॉ द डायगोनल स्केल क्या ड्रॉ करना है आपको डायगोनल स्केल ड्रॉ करना है आर एफ फैक्टर क्या दिया है हर एक क्वेश्चन में यह दिया रहेगा वन इज टू ट्वेंटी इसका मतलब क्या है वन डिवाइड बाई ट्वेंटी को उसको रिड्यूसिंग फैक्टर बोलते हैं इसको उसको रिड्यूस करना है शोविंग शोइंग डिविजन ऑफ जीरो पॉइंट वन मीटर एंड कैपेबल ऑफ मेजरिंग थ्री मीटर ऐसा स्केल बनाना है जिसका मैक्सिमम लेंथ कितना कैपेबल मेजरिंग कर सके थ्री मीटर तक वो मेजर कर सके एंड उसके ऊपर क्या करना है आपको मार्क डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट फोर थ्री मीटर ऑन इट और स्केल बनाने के बाद इसके ऊपर ये मार्किंग करके पूरा डायमेंशन करके आपको ये दिखाना होगा तो चलिए थोड़ा इसके ऊपर देखते हैं ये बनाने के लिए आपको तीन चीजें इस्तेमाल होगी कौन सी चिन्ह दीजिए पहली तो है मीटर सबसे बड़ा यूनिट दूसरा है डेसीमीटर बराबर है, आपको है मिटर, डेसी मिटर और तीसरा है गाइज यहां तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट यहां और सेंटीमीटर अभी जो दिया है उसको मैं ये तीनों में डिवाइड करता हूँ वो पॉइंट के इधर क्या हो गया गाइज यहाँ पे टू मीटर हो गया और पॉइंट के बाद क्या है फोर्टी थ्री है त्रेचालीस है मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे फोर डेसीमीटर उसके बाद तीन है मतलब क्या है थ्री सेंटीमीटर हो जाएगा समझ समझ में आएगा इस टू मीटर फोर डेसीमीटर और थ्री सेंटीमीटर आपको ये स्केल के ऊपर दिखाने हो गया डी कोड कर दिया क्वेश्चन को अभी इन दोनों ये जो है इनके अंदर कुछ रिलेशन रहता है मतलब संबंध आपको देखना है ठीक है तो मैं यहां पे बता देता हूं आपको अगर आपको वन डेसीमीटर चाहिए ठीक है इंपॉर्टेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा टेन सेंटीमीटर बराबर होता है। डेसीमीटर इज़ इक्वल टू सेंटीमीटर होता है और टेन इक्वल टू होता है वन मीटर के बराबर ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इस क्वेश्चन के अंदर काम आने वाली अगर मैं कोई भी एक लेंथ लेता हूँ बराबर है अगर उसको दस पार्ट में डिवाइड करूंगा तो एक पार्ट क्या डिसाइड करेगा मुझे वन डेसीमीटर शो करेगा अगर मैं एक वन मीटर का स्केल लेता हूँ उसके दस पार्ट करूंगा तो मुझे क्या एक पार्ट वन डेसीमीटर का मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा ठीक है तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया अभी बताता हूँ ये डायगोनल स्केल निकालते कैसे उसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं ये आपको मैं अभी बताने वाला हूँ ठीक है अगर एक मान लीजिए एक मेरे पास लाइन है बराबर है जिसकी लेंथ है समझ लेना टेन सेंटीमीटर का मेरे पास एक लाइन है ठीक है अभी इस लाइन को मुझे क्या करना है डिवाइड डिवाइड करना है सो so, पार्ट में अगर मैं इसको करूंगा तो मैं क्या करूंगा एक यहाँ पे एक डायगोनल ले लूंगा आपको पता है डायगोनल मीन हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं मराठी में इसको कर्ण बोलते हैं एक लाइन को डायगोनल बनाऊंगा और इस डायगोनल के ऊपर कट करूंगा दस पार्ट जो आपको करना है जितने पार्ट में डिवाइड करना है उतना पार्ट आपको डायगोनल में कट करना पड़ेगा फिर जब मैं इसके ऊपर पैरल लूँगा एक पॉइंट से लेकर दसवें पॉइंट तक तो मुझे ये जो मेरा ए बी लाइन है वो भी लास्ट तक दस पार्ट में कटा हुआ मिलेगा किसकी वजह से किया मैंने डायगोनल बना के ये सब चीज़ें पॉसिबल हो सकती है इसलिए इस क्वेश्चन को डायगोनली डिवाइड करके आपको डायगोनल स्केल बनानी होती है ठीक है समझ में आएगा यही सब आप इस क्वेश्चन में देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वन डेसीमीटर इज इक्वल टू होता है गाइस टेन सेंटीमीटर होता है और टेन डेसीमीटर होता है वन मीटर तो चलिए फिर उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है आपको एक्चुअल लेंथ चाहिए आपका जो स्केल है वो किसके अंदर है गाइस सेंटीमीटर के अंदर होता है बट यहाँ पे क्या दिया है आपको मीटर दिया है उसके बाद क्या है आरएफ फैक्टर दिया है आपको वो लेंथ निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा लेंथ एक्चुअल लेंथ जो होता है उसका फॉर्मूला होता है लेंथ जो आपको ड्रॉ करनी है उसके ऊपर आर 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 एस फैक्टर फैक्टर एफ एफ सॉरी दिया दिया है है उसके बाद में दे, देते आपको जो लेंथ मेजरिंग कब तक मेजर कर सकता है वो तीन मीटर तक मेजर कर सकता है बराबर है आर एफ फैक्टर क्या दिया है यहाँ पे वन बाय ट्वेंटी दिया है तो यहाँ पे वन बाय ट्वेंटी लिख लूंगा एग्जाम के अंदर कैलकुलेशन आपको करके दिखाना है सो थ्री मीटर बट आपका जो ये ओरिजिनल स्केल होता है बराबर है वो क्या होता है सेंटीमीटर के अंदर होता है वो मीटर के अंदर होता है क्या नहीं तो आपको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आपको पता है वन मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर बराबर है ये यहाँ पे याद रखने वाली चीज है वन मीटर इज इक्वल टू क्या होता है गाइज हंड्रेड सेंटीमीटर होता है सो so, थ्री मीटर क्या हो जाएगा फिर तीन सौ सेंटीमीटर हो जाएगा वही गया। अगर वन मीटर हंड्रेड सेंटीमीटर है तो थ्री मीटर क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली तीन सो सेंटीमीटर हो जाएगा तो चलिए फिर बिना किसी देरी के यहाँ पे मैं तीन सौ पुट कर लेता हूँ वन डिवाइड बाई ट्वेंटी इंटू तीन सौ अभी क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं सेंटीमीटर लिखूंगा क्या लिखूंगा गाइस सेंटीमीटर लिखूंगा अभी नेक्स्ट क्या होगा देख लेते हैं अभी इज इक्वल टू एक वन जीरो कैंसिल, दूसरा जीरो पे क्या हो गया कैंसिल। और क्या बचा फिर खाली यहाँ पे वन बाय टू इंटू थर्टी सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा वन वन ज़ा वन फिफ्टीन सो पंद्रह सेंटीमीटर का आपको एक स्केल ड्रॉ करना है और उसके ऊपर आपको डायगोनल स्केल बना के जो यूनिट है वो क्या करना है मार्क करना है आई होप गाइज ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे उसका पोस्टमार्टम किया है कैसे सॉल्व करना है पूरा आपको फॉरकास्टिंग बताया है ये समझ में आया रहेगा इसको रिवाइज कर करके कर देखो उसके बाद मैं नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन के लिए स्टार्ट करने वाला हूँ हे दोस्तों बिफोर स्टार्टिंग वीडियो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो और उसके बाद न्यू अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक करना मत भूलना चलिए गाइस क्या करना होगा अभी आपको पता है पंद्रह सेंटीमीटर का मुझे एक लाइन खींचना पड़ेगा जो मैंने प्रीवियस फॉर्मूला से गेन किया था वैल्यू क्या था वो पंद्रह सेंटीमीटर था ठीक है आराम से लिखते हैं कोई घायनी करनी है अच्छे से समझा के दूंगा एक बार ये पूरा वीडियो देख लोगे तो फिर कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाओगे ठीक तो है तो चलिए शुरू करते हैं पंद्रह सेंटीमीटर एक लाइन खींच लूंगा मैं ठीक है ये खींच लिया पंद्रह सेंटीमीटर का लाइन ठीक है अभी ये क्या हो गया पंद्रह सेंटीमीटर हो गया तो आपको क्या दिया एग्ज़ाम के अंदर थ्री मीटर दिया था कितना था मैक्सिमम कितना यूज़ करता है वो थ्री मीटर क्या कर रहेगा वो आपको पता है एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन मैंने दिया था यहाँ पे वहाँ पे क्या दिया था गाइस थ्री मीटर मेजरिंग यूनिट का कैपेबल क्या था थ्री तो इसका मुझे जितना कैपेबल दिया होता है उतना इसका क्या करना पड़ता है गाइस पार्ट डिवाइड करना होता है तो मैं क्या करूँगा एक कोई भी एंगल पे एक लाइन ले लूंगा एंगल डिफाइन नहीं करते कोई भी एंगल पे एक लाइन ले लो उसको खींच लो और फिर जो आपके पास जो रहता है कंपास की मदद से तीन पार्ट में उसको डिवाइड कर लो इसका भी कोई डिस्टेंस फिक्स नहीं होता है उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लो गाइस ठीक है ये सबसे इजी स्टेप है ये तीन पार्ट में डिवाइड कर लो क्यों किया बिकॉज कैपेबल लेंथ क्या था तीन में था अभी क्या कर दूंगा तो दो छोर है ये जो दो एंड है उसको मैं ज्वाइन कर लूंगा ठीक है और उसके बाद फटफट -फट जो आपके पास रोलर्स कर रखिए आपको इसको क्या करना है एक के बाद एक ज्वाइन करते जाना है थ्री तक चले फिर डायरेक्ट आपको ज्वाइन करके दिखाता हूं मैं ये देखिए इस यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया अभी इसको करते हैं नेमिंग शुरू होगा जीरो वन टू से ये हो गया थ्री पार्ट में डिवाइड कर दिया वन टू थ्री पार्ट में और शुरू होगा जीरो वन टू से शुरू हो गया अभी करते हैं नेक्स्ट अभी क्या करना है आपको नेक्स्ट करना है आपको पता है ये क्या है तीन मैंने पंद्रह सेंटीमीटर लिया तीन अभी के ये क्या एक पार्ट किस किसका हो जाएगा वन मीटर का एक पार्ट हो गया अभी ठीक है so, सो अभी एक आपको पता था वन मीटर मतलब दस डेसीमी डेसीमीटर होता है ठीक है तो अभी ये जो इसका एक पार्ट है उसको मुझे किस में डिवाइड करना पड़ेगा गाइस इस दस पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा ठीक है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा वही चीज़ जो यहाँ पे किया है वही चीज़ यहाँ पे करूंगा एक एनी एंगल पे एक लाइन लूंगा ऐसा ठीक है लाइन लेने के बाद उसके दस पार्ट करूंगा और वो दस पार्ट को यहाँ पे ज्वाइन कर लूंगा ठीक है तो चलिए फिर ज्वाइन करने का डायरेक्टली आपको मिलता हूँ नए नए मार्क से ज्वाइन करूंगा आपको समझ में आना चाहिए इसलिए चलिए फिर डायरेक्टली ज्वाइन करके आपको दिखाता हूँ देख लीजिए गाइज यहाँ पे मैंने एक्यूरेट दस पार्ट में डिवाइड कर लिया ठीक है थोड़ा और जूम करके दिखा तो आपको समझ में आ जाएगा देख लीजिए दस पार्ट में अभी क्या करना है ये करने से पहले आपको क्या करना होता है एक ऊपर रेक्टेंगल निकालना होता है थोड़ा रेक्टेंगल लेते हैं इसका भी हाइट कुछ फिक्स नहीं रहता है तो थोड़ा सा उसको बड़ा रेक्टेंगल के अंदर फिट कर देंगे इस लेंथ को चलिए इसके पहले भी कर सकते हो उसके बाद भी कर सकते हो एक बड़े रेक्टेंगल के अंदर इसको फिट करता हूँ रेक्टेंगल का हाइट लेता हूँ मैं यहाँ पे दिखने के लिए थोड़ा बड़ा ले सकता है इसका भी हाइट कोई फिक्स नहीं रहता है आप उसको कितना भी ले सकते हो एज़ योर विश ठीक है तो मैं लेता हूँ सबसे बड़ा बिकॉज आपको कुछ डाउट ना आए सब चीज़ें अच्छे से दिखाई दे इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा लेता हूँ अपने पास बड़ा शीट भी यहाँ पे तो चलिए ये सिक्स के अंदर मैं इसको क्या कर लेता हूँ फिट कर लेता हूँ ठीक है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये इसको फिट कर लिया एक रेक्टेंगल के अंदर अब इसके अंदर जो भी होगा डायगोनल सब इसके अंदर खिलेंगे अपन आज ठीक है क्या क्या पहले फार्मूला की वजह से मुझे क्या मिला ये लेंथ मिला पूरा ठीक है अभी थोड़ा जूमआउट होता हूँ थोड़ा लेंथ मिला पूरा ठीक है तो लेंथ क्या था वो पूरा पंद्रह सेंटीमीटर मिला फिर क्या किया उसको थ्री में डिवाइड किया बिकॉज क्वेश्चन के अंदर दिया था कि थ्री मैक्सिमम लिमिट क्या होनी चाहिए थ्री मीटर तक होनी चाहिए उसका तो इसलिए इसको थ्री पार्ट में डिवाइड किया जीरो वन टू उसके बाद पता है आपको ये एक पार्ट हो गया वन मीटर का आपको होता है वन मीटर टू टेन डेसी इसलिए मैंने ये एक पार्ट को दस में डिवाइड किया तो ज़ीरो क्या हो जाएगा फिर आप जीरो आपे नेमिंग करता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और एक लास्ट वाला टेन ये समझ में आ गया दस पार्ट में इसको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया ठीक है अभी डेसीमीटर दिखा दिया अभी उसके बाद इससे पहले आपको एक रेक्टेंगल में फिट करना होता है एक एक सेंटीमीटर या कोई भी एक एक डिस्टेंस का रेक्टेंगल के अंदर ये जो स्केल है है उसको फिट कर देना होता ठीक है थीके? अभी फिट कर दिया समझ में आ गया अभी नेक्स्ट शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाला स्टेप इससे इसके बाद आपको क्या करना होता है जो रेक्टेंगल का लास्ट वाला पॉइंट है समझ में आ गया उसको जरा हाईलाइट करता हूँ मैं रेक्टेंगल का लास्ट पॉइंट है समझो ये वाला उसको और यहाँ पे जो नाइन्थ वाला दिख रहा है मुझे नाइन्थ वाला पॉइंट और लास्ट वाला जो कॉर्नर है उसको ज्वाइन करना है क्या करना है गाइज उसके बाद नाइन्थ वाला पॉइंट है और उसको जो कॉर्नर है उसको आपको क्या करना है ज्वाइन कर लेना है समझ में आगे चीज़ को उसको मैं करता हूँ अभी ज्वाइन तो चलिए फिर उसको करते हैं जॉइन ठीक है अभी रोलर स्केल रखनी है आपको इसके ऊपर और जीरो तक लेके आना है वो चीज को जीरो और वन तक वो चीजें लेके आनी है समझ में आ गया चीज में क्या बोलने वाला हूँ जीरो और वन तक वो लेके आना है तो इसको भी जहां जहां पे मैंने कट किया था वहां पे वैसा ही कर लेता तो हूँ उसके बाद मुझे ये सब मिल जाएगा तीन मिल गया पार्ट अभी कहा तक लेके आना है मुझे वन तक उसको लेके आना है रोज के रखूंगा फिर आठ पे रखूंगा सात पे रखूंगा छः पे रखूंगा पाँच पे रखूंगा चार पे रखूंगा तीन पे रखूंगा दो पे रखूंगा फिर एक पे रखने के बाद उसको क्या कर दूंगा क्लोज कर दूंगा ठीक है तो चलिए डायरेक्टली आपको मैं वो सब मिलने के बाद ज्वाइन करने के बाद आपको दिखाता हूँ कैसे दिखेगा ये देखो गाइज ये ज्वाइन कर दिया मैंने पैदल लाइन ठीक है दिख रहा है आपको अभी क्या करना है आपको सेंटीमीटर बनाना है मतलब ये जो दिया है तिरछा लाइन वो ये जो आड़ा था ये क्या था डेसीमीटर था अभी तो तिरछा लाइन है उसको और दस के अंदर आपको क्या करना होता है डिवाइड करना है तो उसके लिए मैं करूंगा फिर से ये मेथड यहाँ पे क्या करूंगा अप्लाई करूंगा ठीक है तो चलिए फिर आप अप्लाई करके दिखाता हूँ मैं वही सेम मेथड को वहां पर अप्लाई करूंगा एट एनी एंगल बराबर है एट एनी एंगल मैं क्या करूंगा एक लाइन खींच लूंगा बराबर है एक एनी एंगल लाइन खींचने के बाद वही स्टेप तो यहाँ पे मैंने स्टेप किया था वही स्टेप आपको क्या करूंगा मैं रिप्लाई वहां पे करूँगा उसको रीअप्लाई करूँगा वहाँ पे तो दस पार्ट में डिवाइड करूँगा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस मैंने दस पार्ट क्या लिया गाइस आधा सेंटीमीटर लिया कितना लिया है आधा सेंटीमीटर लो आपको इजी जाएगा ठीक है इतना ये जो आपका कंपास है उसके अंदर नहीं आएगा तो आप डायरेक्ट आधा सेंटीमीटर लेके उसको ज्वाइन कर सकते हो तो चलिए दस पार्ट हो गया गिन लेते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस में कर दिया अभी इसका लास्ट और इसका उसको ज्वाइन करता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ अलग मार्कर से कि वो कैसे दिखेगा उसके बाद पूरा क्वेश्चन रिपीट करूंगा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ यहाँ पे रिपीट हो जाएगा डोंट वरी अभी देख लीजिए यहाँ पे ये जो लाइन है उसको मैंने दस में डिवाइड किया है और उसका जो पैरल लाइन था ये मैंने जो स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर लिखा हुआ पूरा अभी क्या करूँगा मैं इस लाइन से पूरा यहाँ तक एक पैरल लाइन ऐसा खींचूंगा बराबर है सो मुझे यहाँ पे एक जाली जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा ठीक है सो ये स्ट्रेट लाइन पे, ले स्ट्रेट पे ले मैं लेके आया हूँ देख लीजिए स्ट्रेट लाइन पे ऊपर लेके आया हूँ मैं अभी इस स्ट्रेस लाइन से मैं खड़ा इसके ऊपर ऐसा हॉरिजॉन्टली मार्क करूंगा तो उसके ऊपर मुझे, मुझे क्या मिलेगा एक सेंटीमीटर का यूनिट वहाँ पे मुझे मेजर करने के लिए एक जगह मिल जाएगी चलिए फिर डायरेक्टली आपको मिलता हुआ लाइन ड्रॉ करने के बाद ये देख लो मैंने पे क्या कर लिया? कर लिया लिया तो पे हो, हो गया आपका, से आपका? सेंटीमीटर में हो गया उसके बाद आपको मिल गया डेसीमीटर में और उसके बाद आपको मिल गया सेंटीमीटर में ठीक है समझ में आ गया रहेगा पहले क्या किया फिर से पूरा स्टेप क्या करता हूं मैं पे रिपीट करता हूँ ठीक है पहले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया था आर एफ दिया था आर एफ के बाद क्या दिया एक मैक्सिमम कैपेबल लेंथ दिया था जो था थ्री सेंटीमीटर था फिर उसका फॉर्मूला के अंदर डाल के मैंने क्या मिला मुझे पंद्रह सेंटीमीटर का लाइन मैंने यहाँ पे खींच लिया ठीक है तो फिर इस लाइन को मैंने क्या कर लिया डिवाइड कर लिया थ्री पार्ट्स के अंदर क्यों कर दिया बिकॉज उसके अंदर क्या दिया था क्वेश्चन के अंदर देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया था कि कैपेबल ऑफ मेजरिंग थ्री इसलिए मैंने थ्री में डिवाइड किया मेजरिंग अगर फोर होता तो फोर में डिवाइड करता अगर यहाँ पे तीन सौ की जगह पे तीन की जगह अगर तीन सौ होता ठीक है तीन सौ मीटर तीन से, सौ सेंटीमीटर होता मैं क्या करता पहले वाला लेता तीन लेता चार सौ होता तो क्या लेता गाइज में चार लेता पाँच सौ होता तो पाँच पाँच सौ बार नहीं कर सकता डिवाइड इसलिए पाँच सौ होता तो मैं पहले वाला लेता वो पाँच बार यहाँ पे क्या दिया नॉर्मली वन दिया था डिजिट थ्री मीटर इसलिए मैंने उसको थ्री में डिवाइड कर दिया सो वन टू थ्री में डिवाइड कर दिया आपको पता है एक हिस्सा क्या डिसाइड करेगा यहाँ पे वन मीटर को शो करने वाला था दिखाने वाला था तो आपको पता था कि वन मीटर इज इक्वल टू तो टेन डेसीमीटर सो so, इसलिए मैंने ये वन मीटर के एरिया को टेन में डिवाइड कर दे, देख लीजिए जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अप टू तो टेन में डिवाइड कर लिया तो ये स्किल क्या हो गया मेरा डेसीमीटर का हो गया फिर मुझे चाहिए था सेंटीमीटर का तो आपको पता है अगर मैं एक डेसीमीटर को दस बार डिवाइड करूंगा कितने बार दस बार अगर डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा वन सेंटी वन सेंटीमीटर एक पार्ट मुझे दिखाई देगा तो इसलिए मैंने यहाँ पे और एक वही स्टेप लिया और डायगोनली इसको खींचने के बाद दस में डिवाइड कर दिया एक क्या बोलते हैं एक डेसीमीटर को दस में डिवाइड कर दिया यहाँ से देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो मुझे क्या मिल गया फिर यहाँ पे सेंटीमीटर का भी स्केल मिल गया ठीक है तो बड़ा वाला क्या हो गया मीटर स्केल ये जो यहाँ पे कर दिया मैंने ये हो गया मेरा डेसीमीटर वाला स्केल और उसके बाद जब मैंने डेसीमीटर को दस में डिवाइड कर दिया तो मुझे मिल गया सेंटीमीटर का स्केल जो मैंने प्रीवियसली आपको एक्सप्लेनेशन करते टाइम बताया था वही यहाँ पे मैंने निकाला है और हाँ ये जो पैदल लाइन है आपको रोलर स्केल से निकालनी है ठीक है यहाँ पे देख लीजिए रोलर स्केल से अगर निकालोगे आपको इजीली वो हिस्सा आपको मिलेगा और इजीली ये डिवाइड हो जाएगा इच एंड एवरी इक्वल पार्ट के अंदर सो so, मैक्सिमम आपको रोलर्स के यूज करना है ये लाइन खींचने के बाद पहले बॉक्स निकाल लेना है मैंने ये डिवाइड करने के बौक, बाद बॉक्स निकाला ऐसा भी कर सकते हो या तो फिर बॉक्स निकालने के बाद ही उसको आप क्या कर सकते हो डिवाइड करो कोई भी पहले ले सकते हो मगर मोटिव क्या है ये एक्चुअल में दिखना चाहिए ठीक है अभी देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या शो करने के लिए बताया था आपको देख लीजिए यहाँ पे क्या था टू पॉइंट फोर थ्री मीटर मतलब क्या हो जाएगा वो टू मीटर फोर डेसीमीटर एंड थ्री सेंटीमीटर ठीक है तो अभी इसको आपको क्या करना है स्केल के अंदर क्या करना था शो करना था ठीक है तो ये क्या हो गया टू मीटर यहां से क्या हो गया यहाँ पे टू मीटर हो गया जीरो से लेके टू मीटर हो गया उसके बाद क्या था फोर डेसीमीटर तो मैं फोर के पास जाऊंगा यहाँ देख लीजिएगा इस थोड़ा जूम करके दिखाता तो मैं ठीक है फोर वो जीरो वन टू थ्री फोर ये डेसीबल का स्केल है तो फोर के पास जाऊंगा उसके बाद क्या बोला था थ्री सेंटीमीटर तो ये लीजिए यहाँ पे थ्री सेंटीमीटर का हो गया सो so, ये फोर वाला लाइन और ये थ्री वाला लाइन तो so, यहाँ पे मुझे मेरा जो एक्चुअल था point वो मुझे मिल चुका है इस पर मुझे सब कुछ दिखाना था बरबर है सो अभी इसको डिनोट करते टाइम कैसे दिखाना है गाइस दिखाता हूं मैं अभी अभी क्या करना है आपको इसको करना है डायमेंशिंग डायमेंशिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ठीक है तो डायमेंशन करते टाइम क्या करना है ये पूरे लाइन को आपको क्या करना है वहाँ पे आगे लेके जाना है पूरे लाइन को क्या करना है आपको आगे लेके जाने के बाद ही आपको डायमेंशिंग हो पाएगा पूरा लाइन डायगोलर लेके जाओ ठीक है पेंसिल की मदद से या रोलर स्केल की मदद से ये जो पूरा लाइन है इसको क्या कर दो लास्ट तक कर दो क्या कर दो गाइज लास्ट तक यहाँ पे, पे इसको ऐसा ज्वाइन कर लेना रोलर स्केल से करना है यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ बिकॉज ये होने वाला है अभी इजिली तो आपको डायरेक्टली करना है या तो रोलर स्केल की मदद से करो वॉट आपके पास जो है लाइन पैरादल आना चाहिए सबसे बड़ा मोटिव होना चाहिए जो आपका लाइन खींचा हुआ है वो पैरादल चाहिए ठीक है ये हो जाएगा आपका सबसे इम्पोर्टेंट वाला काम हो गया अभी मेरा स्केल क्या है इसको करना पड़ेगा मुझे अभी डायमेंशिंग तो मैं डायमेंशन के लिए यूज करता हूँ ब्लैक मार्कर जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है तो उसको मैंने डायमेंशन कर देता हूँ यहाँ तक था उसके बाद टू था तो टू से यहाँ पे ले लूंगा मैं गाइस टू से उसको ऊपर ले लूंगा आपको पता डायमेंशन का तरीका क्या होता है उसको ऊपर ले लिया उसके बाद मैं यहाँ पे एक एरो बनाऊंगा एरो बनाने के बाद आपको पता डायमेंशन का तरीका ये एरो बनाने के बाद क्या था वो 2.43 मीटर यहाँ पे मैंने क्या कर दिया डिनोट कर दिया उसके बाद लिखना है कि क्या स्केल है ये कौन सा स्केल था मीटर स्केल था तो यहाँ पे मैं मीटर लिख दूंगा एग्जाम के अंदर ये कौन सा स्केल था गाइज डेसीमीटर मीटर का स्केल था तो यहाँ पे डेसीमीटर मीटर का स्केल लिखूंगा और ये कौन सा स्केल था मेरा सेंटीमीटर का तो इसको आप आड़े में सेंटीमीटर लिखो ये हो गया आपका क्वेश्चन फिनिश समझ में आ गया फिर से रिपीट करूंगा क्वेश्चन को वीडियो को पूरा देखो क्वेश्चन को समझ के लो मैंने थोड़ा रिवाइंड कर करके दिखाया बिकॉज वो पैदल लाइन ड्रॉ करते समय को दिखाया नहीं है तो प्लीज़ वो कहाँ से ड्रॉ करने के बाद कहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है उसके बाद ही डिसाइड करो कि ये क्वेश्चन कैसे होगा ठीक है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखो अगर ये वीडियो पसंद आया है कि सबसे सा, सबके साथ शेयर करो और आपको अगर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलना निश्चित है चलिए गायज दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो आई होप आपको ये वीडियो सब पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो शेयर करो किसी को जरूरत है तो और कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि क्या आपको डाउट आया है तो मैं उसके ऊपर भी एक रिवाइज़ वाला वीडियो बना सकूँ थैंक यू सो मच गायज बाय बाय टेक केयर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई एक नया कंसेप्ट लेके चलिए बाय बाय